नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। देश इस वक्त आजादी का जश्न मना रहा है, लेकिन इस आजादी के जश्न में ऐसा दर्द भी है जो आजादी के वक्त बंटवारे के तौर पर मिला। आजादी के बंटवारे की कहानी तो आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब देश का बंटवारा हुआ तो कुर्सी टेबल बल्ब से लेकर घोड़ा गाड़ी तक सब बटा था। इसलिए आज हम आपको कहानी बंटवारे की सुनाएंगे और वो अनसुने किस्से भी जो बंटवारे के समय में हुए लेकिन आज तक किसी ने नहीं सुने। 76 साल पहले जब भारत को दो हिस्सों में बांटा गया था, तब भारत और पाकिस्तान के बीच जमीन का बंटवारा बस नक्शे पर एक लकीर खींचने जैसा था। इतिहास बताता है कि अंग्रेजी हुकूमत ने देश के बंटवारे के लिए लॉर्ड रेडक्लिफ को चुना था। वो लंदन से आए और नक्शे पर एक लकीर खींच दी। दोनों देशों का भौगोलिक बंटवारा तो हो गया, लेकिन संपत्ति का मसला बाकी था। सिर्फ पैसे ही नहीं, कर्मचारियों और कलाकृतियों का भी बंटवारा होना था। ये ऐसा बंटवारा था जिस पर बातचीत करना बहुत मुश्किल था। इन संपत्तियों का बंटवारा अलग अलग तरीके से किया गया। भारत के वायसराय की घोड़ा गाड़ी का मालिकाना हक सिक्का उछाल कर तय किया गया, जिसमें भारत जीत गया। इस घोड़ा गाड़ी का इस्तेमाल भारत के राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपति भवन में किया जाता है। सुरक्षा कारणों से सार्वजनिक समारोह में इसका इस्तेमाल बंद होने के 3 दशक बाद 2014 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इस समारोह में इसका इस्तेमाल किया था। हालांकि कुछ अन्य संपत्तियों जैसे कि मानव संसाधन को बहुत ही सावधानी से विभाजित किया गया था। बंटवारे की जिम्मेदारी 12 जून को गठित विभाजन परिषद को सौंपी गई, जिसकी अध्यक्षता लॉर्ड माउंटबेटन ने की। इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, जबकि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का प्रतिनिधित्व लियाकत अली खान और अब्दुल रब निस्तर ने किया। निस्तर की जगह बाद में मोहम्मद अली जिन्ना ने ले ली और पैनल का नाम बदलकर विभाजन परिषद कर दिया गया। इसके अंतर्गत 10 विशेषज्ञ आयोग थे जो विभाजन के विवरण की देखरेख करते थे, जबकि विभाजन किसी भी मायने में सौहार्दपूर्ण नहीं था। लेकिन विभाजन के कुछ हिस्से ठीक से बट गए, जिसमें रक्षा, मुद्रा और सार्वजनिक वित्त समझौते शामिल थे। कैसे हुआ था पैसों का भी बंटवारा? विभाजन समझौते के तहत पाकिस्तान को ब्रिटिश भारत की संपत्ति और देनदारियों का 17.5% हिस्सा मिला। लेकिन ये बंटवारे का अंत नहीं था। पाकिस्तान के नए केंद्रीय बैंक और भारतीय रिजर्व बैंक को नगद शेष राशि के निपटान पर फैसला लेना था। उस समय भारत सरकार के पास लगभग 400 करोड़ रुपए थे। विभाजन परिषद ने पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक को 75 करोड़ रुपए आवंटित किए, जिसमें 20 करोड़ रुपए का कार्यशील शेष शामिल था, जो 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तानियों को पहले ही उपलब्ध करा दिया गया था। आजादी के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों को एक ही केंद्रीय बैंक द्वारा एक वर्ष से अधिक समय तक सेवा दी जाती रही। आरबीआई ने अगस्त 1947 से सितंबर 1948 तक ये भार उठाया। मूल रूप से दोनों देशों को अक्टूबर 1948 तक केंद्रीय बैंक साझा करना था, लेकिन आरबीआई और पाकिस्तान सरकार के बीच 55 करोड़ रुपए के भुगतान को लेकर संबंध तेजी से बिगड़ने के बाद विभाजन को एक महीने के लिए आगे बढ़ा दिया गया। ये राशि 1947 में तय हुई थी। इस अवधि के दौरान भारत और पाकिस्तान ने रुपए भी साझा किए। विशेषज्ञ समिति ने 31 मार्च 1948 तक भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए मौजूदा सिक्कों और मुद्रा को जारी रखने का फैसला किया, लेकिन भारत ने रोक दिया था पाकिस्तान के लिए 75 करोड़ का फंड। पहली किस्त 20 करोड़ रुपए की 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को जारी कर दी गई। शेष 75 करोड़ रुपए की राशि एक विवादास्पद मुद्दे में फंस गई। ये मुद्दा था विभाजन के ठीक बाद भाड़े के सैनिकों की मदद से पाकिस्तानी सेना का कश्मीर पर आक्रमण। भारत ने यह राशि रोक ली। तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने स्पष्ट किया कि भारत कश्मीर मुद्दे के सुलझने तक किसी भी भुगतान के लिए सहमत नहीं होगा। 1947 को कश्मीर मुद्दे पर अंतिम बातचीत के समय उसने वित्तीय मुद्दों और कश्मीर प्रश्न को एक साथ रखे जाने पर आपत्ति जताई और 55 करोड़ रुपए तुरंत ट्रांसफर करने की मांग की थी, यानी पाकिस्तान। भारत ने कहा कि वह समझौते पर कायम है, लेकिन कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के शत्रुतापूर्ण रवैयों को देखते हुए बातचीत के दौरान उनके रुख के अनुसार भुगतान स्थगित करना होगा। यानी कश्मीर में पाकिस्तान अशांति फैलाने की कोशिश करेगा तो उसे भारत की तरफ से पैसे नहीं दिए जाएंगे, वो फंड रोक लिया जाएगा। लेकिन उस वक्त चल संपत्तियों का भी बंटवारा बाकी था। जो होना था, चल संपत्तियों को 80-20 के अनुपात में विभाजित किया जाना था, और इसमें कार्यालय, फर्नीचर, स्टेशनरी आइटम और यहां तक कि लाइट बल्ब भी शामिल थे। यही वजह है कि कुछ लोग बंटवारे की इस प्रक्रिया को हास्यास्पद मानते हैं।
लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लापियरे ने अपनी किताब फ्रीडम एट मिडनाइट में एक दिलचस्प वाक्य बताया है। वो लिखते हैं कि उन विभाजनों से कभी कभी जो भावना और संकीर्णता पैदा होती थी वे चौंका देने वाली थी। लाहौर में पुलिस अधीक्षक पैट्रिक रिच ने अपने उपकरण एक मुस्लिम और एक हिंदू डिप्टी के बीच बांट दिए। उसमें सब कुछ बांट दिया गया, पगड़ी, राइफल, लाठी, आखिरी लॉट में पुलिस बैंड के उपकरण भी शामिल थे। पाकिस्तान के लिए एक बांसुरी तो भारत के लिए एक ढोल, पाकिस्तान के लिए एक तुरही होती तो भारत के लिए एक झांझ की एक जोड़ी होती, यानी सब कुछ बटा। उस वक्त सब चीज का बंटवारा हो रहा था, जिसे देख दुनिया के कई देशों को हैरानी हो रही थी। और तो और, भारत और पाकिस्तान में काम कर रहे कर्मचारियों का भी बंटवारा हुआ। दरअसल विभाजन को देखने के लिए बुलाई गई विशेषज्ञ समितियों के पास अपना काम करने के लिए मुश्किल से 70 दिन थे। सभी विभागीय संपत्तियों और वित्तीय देनदारियों मेज पर थी, जिन्हें विभाजित किया जा रहा था। इन विभागीय संपत्तियों का एक बड़ा हिस्सा सरकारी अधिकारी भी थे, जो देश के उत्तरी भाग में फैले हुए थे। भौगोलिक स्थिति से लेकर धर्म तक के मानदंडों के आधार पर कर्मचारियों को छांटने के कई प्रयासों के बाद परिषद ने अंत में फैसला किया कि कर्मचारियों को केंद्र स्तर और प्रांतीय दोनों स्तरों पर भारत सरकार या पाकिस्तान सरकार में सेवा करने का विकल्प दिया जाएगा। यानी उन्हें कहा जाएगा, या तो आप पाकिस्तान चले जाइए या तो भारत रहिए, या आपके पास विकल्प है। इतना ही नहीं, बंटवारे के समय सेना तक का बंटवारा हुआ। कैसे हुआ सेना का बंटवारा? जैसा कि सरकारी कर्मचारी नई सरकारों में से किसी एक को चुन सकते थे, लेकिन रक्षा कर्मियों को बहुत कम छूट दी गई थी। विभाजन परिषद ने धार्मिक भेद करने का फैसला किया। हीरूभाई एम पटेल ने अपनी पुस्तक राइट्स ऑफ पैसेज में लिखा है, सशस्त्र बलों में सेवारत सभी कर्मचारी उस प्रभुत्व का चुनाव करने के हकदार होंगे जिसमें वो सेवा करना चाहते हैं। इस शर्त के अधीन कि पाकिस्तान का कोई मुस्लिम जो सशस्त्र बलों में सेवारत है, यानी सेना में काम करता है, उसके पास भारतीय प्रभुत्व में सशस्त्र बलों में शामिल होने का विकल्प नहीं होगा। यानी मुस्लिम पाकिस्तान में रहेंगे और हिंदू भारत में रहेंगे, जो सेना में रहेगा। यानी धार्मिक आधार पर सेनाओं का बंटवारा हुआ कि सारे हिंदू जो सेना में थे वो भारत की तरफ रहेंगे, लेकिन जो मुस्लिम थे सेना में थे वो पाकिस्तान चले जाएंगे। यानी मुसलमान पाकिस्तानी सेना में होगा और हिंदू भारतीय सेना। भारतीय सेना को एक फील्ड मार्शल क्लाउड ऑचिनलेक ने दोनों देशों के बीच विभाजित किया था, जिसमें 260,000 कर्मी भारत चले गए जबकि 140,000 पाकिस्तान चले गए। वहीं आम लोग भी इस बंटवारे में बांटे गए। विभाजन के बाद लाखों लोग अपने ही देश में शरणार्थी बन गए। करीब 25 करोड़ लोगों को अपनी जगह छोड़ विस्थापित होना पड़ा था। इस दौरान व्यापक स्तर पर सांप्रदायिक दंगे भी हुए, जिसमें मरने वालों की संख्या की गिनती ही नहीं थी। हालांकि छिटपुट दंगे आजादी की घोषणा से पहले से ही होने लगे थे। विभाजन के बाद लाखों लोग पैदल और बैलगाड़ियों के सहारे अपने पुरखों की जमीन छोड़कर पलायन करने को मजबूर हुए, तो वहीं रेलगाड़ियों की छतों पर पैर रखने तक की जगह नहीं बची। पलायन के दौरान कई घर तबाह हो गए, दंगों में उनके अपने मारे गए थे। आजादी के बाद भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने तो पाकिस्तान के लियाकत अली खान बने थे। पाकिस्तान बनने के 13 महीने बाद मोहम्मद अली जिन्ना की मौत हो गई थी। पाकिस्तान 14 अगस्त की रात 12 बजे भारत से अलग हो गया था। पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस भी 14 अगस्त को ही मनाया जाता है, लेकिन हर साल रेडियो पाकिस्तान के जरिए जिन्ना की आवाज में पहला बधाई संदेश सुनाया जाता है, जिसमें वो कह रहे होते हैं, 15 अगस्त की आजाद सुबह पूरे राष्ट्र को मुबारक हो। फिलहाल देश आजाद तो हुआ, लेकिन बंटवारे का ऐसा जख्म मिला जिसका दर्द आज भी लोगों के दिलों में है। फिलहाल आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। शेयर करना इस कहानी को मत भूलिएगा और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।